नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों मेरा नाम है सौरभ देवनाथ और ये वीडियो होने वाला है 52। इसका मतलब हम लोग कवर कर चुके हैं पूरे के पूरे 510 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो होता है बायलैंगुअल। इसका मतलब जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में। तो जिस भी भाई बंधु को पहले हिंदी में दिक्कत हो रही थी, अब नहीं होगी, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में भी होगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग लॉकडाउन में पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, तो इसीलिए आपके लिए जो है वीडियो के एंड में होगा एक होमवर्क। जरूर से जरूर होमवर्क को सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ए प्लस बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, व्हाइल बी प्लस सी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, सी प्लस ए टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल दिस वर्क बी कंप्लीटेड बाय देम, ए प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन बोल रहा है ए प्लस बी जो है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, राइट, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। चलिए देख लेते हैं इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम होगा 60। तो इनकी जब एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये कितनी आएगी, 5, ये आएगी 4, ये आएगी 3। तो इसमें देखिए ए दो बार है, ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, मतलब इसमें ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है। तो पहले देख लेते हैं कितना है, 5 और 4 9 9 और 3 12। तो 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 2 कर देता हूं, क्योंकि ये जो है ये 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी है। समझ में आ गया है ना। तो इसी के लिए मुझे 12 बाय डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो आया मेरा क्या, 6। अब मुझे पता करने के लिए कितने दिन में एफिशिएंसी से डिवाइड करूंगा टोटल काम को, तो ये आया 10। तो 10 डेज में ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कुल सतह क्षेत्र का संख्यात्मक मान घन के आयतन के बराबर है, मतलब इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देन फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूब। तो क्या पता करना है, घन का विकर्ण पता करना है, राइट। तो मुझे पता है टोटल, क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया राइट इज इक्वल टू, क्या बोला, वॉल्यूम, राइट। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a स्क्वायर। क्यों, जो आपका क्यूब होता है, जो आपका क्यूब होता है, राइट, वो उसके कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस, और एक फेस का क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा ए क्यूब। चलिए तो क्या निकल के आ गया, ए इज इक्वल टू 6, मतलब जो है ए इज इक्वल टू 6 निकल के आ गया। और मुझे पता है विकर्ण मतलब डायगोनल का क्या होता है, डायगोनल मतलब होता है √3a√3, राइट, a√3। तो क्या हो जाएगा विकर्ण, ए की वैल्यू 6√3। समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 1/a² पेन ले आते हैं, 1/a² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 29/100, वेर ए एंड बी आर क्या, पॉजिटिव इंटीजर नंबर्स, और एक कंडीशन दिया हुआ है ए जो है वो बी से बड़ा है। क्या पता करना है, 2/3 + a + b / a - b, राइट। तो देखिए कैसे करूंगा, पहले इसको सोचिए थोड़ा सा, इसको पहले थोड़ा सोचिए, राइट। तो जैसे ही मैंने सोचा, मैंने देखा अगर मैं, एक कंडीशन है कि ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, नीचे मुझे एलसीएम में 100 लाना है। तो अगर मैं यहां पे पुट करूं क्या, 5 ए की जगह में और बी की जगह में पुट करूं मैं 2, तो देखते क्या होता है। मैं अगर पुट करता हूं 5, तो मैं इधर लिख सकता हूं 25 प्लस लिख सकता हूं 1/4। अब देख लिया मैंने इन दोनों का जो क्या था, एलसीएम था, वो कितना हो गया, 100 हो गया। और जैसे ही एलसीएम 100 हो गया, तो मैंने क्या देखा कि यहां पे जो है ऊपर भी 29 आ गया जब जोड़ा, ठीक है। इसका मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए की जो वैल्यू होगी वो होगी 5 और जो बी की वैल्यू होगी वो होगी क्या, 2, राइट। अब मैं इसमें पुट कर देता हूं, इसमें पूछा है, चलिए पुट कर देते हैं। तो 2 + 2/3 +
वन ए प्लस बी, ए मतलब 5 प्लस 2 7, और डिवाइडेड बाई ए माइनस बी मतलब 3। तो ये क्या हो गया 7, और 7 और 2 9, 9 बाई 3 विच इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 42% नंबर अंक चाहिए, राइट। उन्होंने 28% अंक हासिल किए और 28 अंक से फेल हो गया, पासिंग मार्क्स का पता लगाया। क्या पता, क्या पूछ रहा है? पासिंग मार्क्स, राइट। पासिंग मार्क पूछ रहा है। पासिंग होने के लिए कितना चाहिए था? 42%, लेकिन उसका आया कितना? 28%। मतलब कितने परसेंट कमी रह गई, कितने परसेंट कमी रह गई? तो 42 माइनस 28, इसका मतलब 14% की क्या रह गई? कमी रह गई। और क्या बोला है? इसी की तो वैल्यू बोली है कि 28 अंकों से फेल हो गया, मतलब 14 की वैल्यू 28, तो 1% की वैल्यू कितनी? 1% की वैल्यू 2 नंबर, राइट। और परीक्षा में उत्कीर्ण होने के लिए क्या? पासिंग मार्क्स पता करना है। उत्कीर्ण होने के लिए कितना परसेंट चाहिए? 42। तो 42 इंटू 2 में करूंगा तो नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 84। ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सम ऑफ दो, देखिए अ सम ऑफ 12,000, राइट। 12,000 का जो सम है उसको लेंथ पे दिया गया इन टू पार्ट्स, वन एट 12% फॉर 4 इयर्स एंड अनदर एट 9% फॉर 5 इयर्स एंड अर्न अ टोटल कितना? 5,640 रुपए, राइट। 5,640 रुपए। तो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट लेंट एट 9%, राइट। 9% में देखते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है एलिगेशन का। देखिए किस तरीके से करना है क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है? एक जो पार्ट था 12% पे दिया गया, कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, मतलब 12 × 4 क्या हो जाएगा? 48, राइट। ये किसका है? 12% वाले का है। और एक जो है 9% पे दिया गया 5 के लिए, तो 9 × 5 ये हो गया कितना? 9% वाले का है, ये हो गया 45, राइट। अब देख लेता हूं क्या हो गया, उसने टोटल कितने अर्न किए? 5,640। तो 5,640 किस पे? 12,000 पे। तो कितना होता है ये कितना होता है? इससे ये गया तो ये होता है आपका 47। तो यहां लिख दूं मैं 47, लगा देता हूं एलिगेशन, तो इधर पे आ गया 1 और इधर पे आ गया कितना? 2। तो मतलब 2:1 जो है, इसी की जो वैल्यू है यही है क्या? 12,000। तो किसका पूछा है? 9 का पूछा है, राइट। 9% का पूछा है, फाइंड द अमाउंट लेंट एट 9%, तो 9 का पूछा है। तो अगर 3 की वैल्यू हो गई 12,000, तो 1 की वैल्यू क्या हो गई? 4,000 हो गई ना। तो यही था ऑप्शन नंबर सी। अंडरस्टूड। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई इफ 7 डिजिट नंबर क्या 1,3,4,x,5,8,y इज डिविजिबल बाई 72। 2x प्लस वाई का मान क्या है यदि 7 अंक की संख्या 1,3,4,x,5,8,y 72 से विभाज्य है, राइट। अब देख लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा जिससे भी डिविजिबल का बोले, जिससे भी क्या बोले? डिविजिबल का बोले, उसको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जो एक दूसरे के क्या हो? कोप्राइम हो। कोप्राइम मतलब उनके बीच में सिर्फ एक ही क्या होना चाहिए? सिर्फ एक ही जो है फैक्टर होना चाहिए, जो कि होगा सिर्फ 1। तो अगर इसको मैं दो भागों में तोड़ू, 72 को दो भागों में तोड़ता हूं, तो 8×9, राइट। 8×9 और इनके बीच में सिर्फ क्या है? HCF। इनके बीच में HCF तो 1 ही है, राइट। चलिए अब देख लेते हैं, मतलब ये जो नंबर है, समझ में आ गया, ये जो नंबर है 1,3,4,x,5,8,y, ये जो नंबर है ये 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले मैं 9 का केस देखता हूँ, 9 का केस, राइट। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 9 का केस देख लेता हूँ। अब देखिएगा जो 9 का केस है, 9 का केस है, इसमें क्या करना है? जो सम होता है सबका, जो सम होता है सबका, वो किससे भाग होना चाहिए? 9 से भाग जाना चाहिए। तो देख लेते हैं, 4, 8, राइट। 8, 8 और 5 13 और 8 कितना? 21। मतलब वो क्या है, इसका अभी टोटल कितना है? 21। 9 से भाग जाने के लिए तो पास में कौन सा आएगा? 27 है। तो मुझे और कितना जोड़ना पड़ेगा? 6 जोड़ना पड़ेगा। मतलब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो 6 होनी चाहिए, राइट। वो क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। अब देखिए,
अब 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो 2 + 4 कर दूं, या फिर मैं 5 + 1 करूं, या इनका उल्टा भी कर सकता हूं राइट, या फिर 3 + 3 कर सकता हूं। अब मुझे देखना है 8 से डिवाइड जाने के लिए जो आखिरी की तीन संख्या होती है, ये जो है आखिरी की जो तीन संख्या होती है ये जाना बहुत जरूरी है, किससे, 8 से। तो वही है डिविजिबल रूल बाई 8 राइट। अब मैं देखते हैं अगर यहां पे मैं पुट करता हूं y के जगह में 4 और यहां पे मैं पुट करता हूं 2, तो क्या जो मामला है सेटिस्फाई हो रहा है। पहला मामला 9 का तो सेटिस्फाई हो गया कि देखिए 6 और जोड़ दिया तो 27 तक तो पहुंच गया, तो ये तो हो गया। क्या देखते हैं 584 जो है, 584 जो है क्या वो 8 से डिविजिबल है, तो देखते हैं। 56 बार गया तो 2 बचेगा, 2 4 24, बिल्कुल ये तो डिविजिबल है यस। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है मतलब 1 3 4 और 2 5 8 4, तो ये जो नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल हो गया, 8 से भी डिविजिबल हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई क्या, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो देखिए क्या पूछ रहा है, किसका मान निकालना है, 2x प्लस y राइट। तो 2 और x तो क्या जोड़ दू, मल्टीप्लाई कर दू, तो क्या होगा 4 + 4 इज इक्वल टू 8 है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये DI का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन बोल रहा है फॉर अस इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे रुपीज 30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, देन व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दिस बुक। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो आपका ये आप देख रहे हैं, अगर पब्लिशर जो है प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए, अगर प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए जो है क्या 20% प्रिंटिंग कॉस्ट के लिए कितना देता है, 30,600 रुपये अगर देता है, तो बोल रहा है कि आप ये बताइए कि रॉयल्टी के लिए जो कि 15% कितना रुपए देगा। मतलब 20% की वैल्यू ये है, 15% की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 20% की जो वैल्यू है वो है 30,600, 15% की वैल्यू निकालनी है, तो 30,600 डिवाइडेड बाई 20 × 15, तो ये क्या हो गया 4, ये हो गया 3। जब हम इसको काटा पीटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, जब आएगा तो आएगा 22,950, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आसान था ना, समझ में आ गया राइट। चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है, देख लेते हैं ठीक है। देखिए 11 पीपल्स वेंट टू अ होटल, 11 लोग कंबाइंड डिनर के लिए एक होटल में गए राइट, कंबाइंड डिनर। 10 पीपल्स आउट ऑफ 11, मतलब 11 में से 10 लोगों ने स्पेंड रुपीज 65.5 ईच ऑन डिनर, मतलब 11 में से 10 लोगों ने 65.5 एवरेजली पैसे दिए, 10 लोगों ने दिए। 11% स्पेंट रुपीज 45 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 11%, मतलब 11 लोगों ने जो पैसा दिया उसका एवरेज जो था उसके एवरेज से 11% ने 45 रुपए और दिए। तो फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द डिनर, डिनर में कितना खर्चा है टोटल, ये आपको बताना है। अब देखिए अगर मैं ले लूं, सपोज ले लेता हूं एक्स जो है, एक्स पैसा सपोज क्या दिया, 11th पर्सन ने एक्स पैसा दिया, सपोज 11th पर्सन ने एक्स पैसा दिया, तो क्या होगा एक्स की वैल्यू 65.5, 10 लोगों ने दिया एवरेजली, 10 पीपल्स आउट ऑफ 11 स्पेंट 65.5 ईच ऑन डिनर राइट, इतना तो दिया राइट, 65.5 × 10 राइट, इतना दिया। उसके बाद अब सब एक्स ने पैसा दिया, एक्स ने भी पैसा दे दिया, टोटल कितने लोग थे एवरेजली, उसके बाद क्या बोला है 11% स्पेंट 45 मोर देन द एवरेज, ये तो एवरेज निकल गया 11 लोगों का, इससे क्या दिए 45 रुपए और ज्यादा दिए एक्स ने। समझ में आ गया कंडीशन आपको, समझ में आ गया इक्वेशन, चलिए सॉल्व कर देते इक्वेशन को, ये हो जाएगा क्या 11x और ये हो जाएगा कितना 655 और ये हो जाएगा क्या एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा 45, 45 × 11 मतलब 450 और 45 मतलब 495। आप इधर पे पहुंचा देते तो ये हो गया क्या 10x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1150 राइट। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 115।
अब ये जो है ये 11th पर्सन ने पैसा दिया हुआ है, ये क्या 11th पर्सन ने इतना पैसा दिया हुआ है, राइट। अब देखिए 11th पर्सन ने तो पैसा दे दिया, राइट, लेकिन पूछ क्या रहा है, टोटल खर्च, क्या पूछ रहा है, टोटल खर्च। तो 10 लोगों ने कितना पैसा दिया था, इतना पैसा दिया था, तो मतलब 10 लोगों ने 655 दिया था और 11वें लोग, जो 11वां लड़का था, जो 11वां इंसान था, उसने क्या दिया, 115। इन दोनों को जोड़ दूं तो 07 और यहाँ 7, तो टोटल कितना खर्चा हुआ, 770। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ रहा तो जरूर से जरूर लाइक करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार, अनगिनत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बोल रहा है अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है, अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू क्या है, 38 है, तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC क्या है। दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से बिल्कुल रट लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी, राइट, और एक और ब्रैकेट लेंगे तो इसमें लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। समझ में आया, ये होता है फॉर्मूला। चलिए पुट करता हूं मैं फॉर्मूले में, a प्लस बी प्लस सी के जगह क्या रखूंगा, 11। अच्छा, इसके जगह मैं क्या रखूंगा, 11 का स्क्वायर मतलब 121। अच्छा, a प्लस बी प्लस 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसके जगह क्या रखूंगा, 38 रखूंगा। चलिए बढ़िया से सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 इंटू 121 रखा और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 90 और 24 मतलब 114, राइट, 114। तो ये कितना हो गया, 11 इंटू, और ये कितना हुआ, 6 और 7, इसका मतलब 77 ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिए, अब मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है अंडर रूट 2 और रूट 3, 3 का जो रूट 3 है और 6 का रूट 6 और 12 का रूट 12 में से बड़ा कौन सा है, राइट, इसमें से बड़ा कौन सा। अब देखिए यहां पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या, यहां तो 2 होगा, ये तो अंडरस्टूड है। अब देखिए करना कैसे पड़ता है, ये जो है जो रूट के बाहर मतलब अंडर रूट में है, राइट, मतलब जिसका अंडर रूट है, जैसे यहां पे 2 का अंडर रूट है, 3 का अंडर रूट है, 6 का अंडर रूट है, 12 का अंडर रूट है, इन सब का मुझे क्या लेना पड़ेगा, इन सब का सबसे पहले मुझे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेने के लिए कितना होगा इसका एलसीएम, 2, 3, 6 और 12, 12 होगा एलसीएम, राइट, 12 होगा एलसीएम। अब क्या करना है, जो अंडर रूट के अंदर है इसके उससे डिवाइड करना है। तो अगर मैं 12 में से 2 करूं तो कितना आएगा, 6 आएगा, तो मुझे वही लिख देना 2 to the power 6। अब यहां देखिए अगर मैं 12 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो आएगा 4, तो यह आ जाएगा 3 to the power 4, यह आ जाएगा कितना, 6 to the power 2, 6 का स्क्वायर, और यह आ जाएगा 12 to the power 1। अब इसमें से जो बड़ा आएगा वही हो जाएगा क्या, लार्जेस्ट नंबर, राइट। तो ये देख लेते हैं 2 to the power 6, 1, 2, 3 और वही 1, 2, 3, तो ये कितना आ जाएगा, 8, 8, 8 जा 64, तो 2 to the power 6 कितना, 64। 3 to the power 4 मतलब 9 into 9 मतलब 81, इसका 36 और इसका 12 का 12, राइट। तो बड़ा कौन सा आया, 81, तो कौन सा बड़ा है, 3 to the power 4, इसका मतलब इसमें से कौन सा बड़ा आ गया। तो समझ में आया किस तरीके से निकाला, राइट। तो अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का क्वेश्चन, फटाफट देख लीजिए, ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और बढ़िया से आप कमेंट में जो है अपना आंसर और ऑप्शन जरूर लिखिए। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना कमेंट बिल्कुल जरूर लिखिएगा, आप ही के लिए है, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले वीडियोज में ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं सारे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना सिखाऊंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।